जैसे जैसे दिवाली नजदीक आती जा रही है, इलाके में चोरों का आतंक भी बढ़ता जा रहा है। आए दिन चोरों का गिरोह किसी न किसी इलाके में वारदात को अंजाम देकर लोगों का दिवाला निकाल रहे हैं और पुलिस चैन की बांसुरी बजाती नजर आ रही है। बीते शनिवार की रात की दो चोरों ने बैंक में चोरी की नाकामयाब कोशिश की थी और अब शहर के पास माने जाने वाला इलाका कास्टर टाउन स्थित साईं बाबा के मंदिर में भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया। स्थानीय लोगों की माने तो चोरों ने मंदिर का मुख्य दरवाजा तोड़कर वहां रखे चांदी के तमाम बर्तन पंखे समेत करीब 40,000 का सामान लेकर चंपत हो गए। फिलहाल स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी, साथ ही चोरों की तलाशी शुरू कर दी है, लेकिन एक के बाद एक सामने आ रही चोरी की घटनाओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही प्रश्न लगा दिया है। रात में तो हम लोग सब सोए हुए थे तो कुछ पता चला नहीं, लेकिन सवेरे 5 बजे के आसपास में हल्ला हुआ तो हम लोग बाहर निकल के आए तो देखते हैं कि मंदिर का ग्रिल टूटा हुआ था, काटा हुआ था, शीशा अंदर का तोड़ा हुआ है, चोरी का प्रयास किया गया है पूरा मंदिर में। क्या क्या चोरी हुई है? बाबा का दान पेटी को तोड़ने का कोशिश किया गया, वो तो नहीं टूटा, लेकिन बाहर का एक पंखा चोरी हुआ है और कुछ चांदी का उनका छोटा छोटा जो बर्तन होता है वो सब गायब, आज शीशा तोड़ दिया है। कितने का लगभग? हेलो, लगभग कम से कम ना करते करते भी तो कम से कम 40-50 हज़ार रुपये का जरूर नुकसान दिया है। साई मंदिर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार। मिशन 24 के लिए देवघर से पिंटू सिंह की रिपोर्ट।